नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियोस में हम बात करने वाले हैं, हरियाणा में जो हाल ही में ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे, तो ग्रुप डी वाली जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। और अगर आप इस पूरी डिटेल को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और ये जो नोटिस जो है HSC की जो वेबसाइट है इस पर ये आ चुका है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको पब्लिश डेट दिखाई देगी 30/5/23, ये ओपनिंग डेट है। 5 तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट 26/6/2023 है और क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट फीस तो ये 30 तारीख है। तो ये आप जो है यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। और क्या जो पुराने कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उन्हें भी इसके लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है, या केवल जो नए कैंडिडेट हैं उन्हें ही अप्लाई करना है, तो सारी डिटेल यहाँ पर इसमें दे दी गई है। और यहाँ पर इसमें जो टेबल ऑफ कंटेंट दिए गए हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं तो उस पेज पर जाकर आप इनमें देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सारी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो दिखा दी गई है, और पोस्ट भी देख सकते हैं आप यहाँ पर जो इसमें जो दी गई है। तो ये देख सकते हैं ऑल ग्रुप डी पोस्ट एक्सेप्ट स्वीपर होगी चौकीदार एंड स्वीपर कम चौकीदार, तो इनकी पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन तो आप देख ही सकते हैं क्योंकि ये ग्रुप डी वाली वैकेंसी है, और जिसमें मैट्रिक और हिंदी संस्कृत माना गया, मतलब क्या 10वीं 12वीं जो है लेवल की ये मानी गई है, तो वो भी आप देख सकते हैं इसमें। और एक और जो यहाँ पर इसमें जो महत्वपूर्ण जो बात है वो यहाँ पर इसमें दी गई है, देख सकते हैं आप, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन दी रिजाइन पोर्टल, ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है हरियाणा गवर्नमेंट में अमेंडेड अपडेट देयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड ऑल मेंसरी डॉक्यूमेंट विद द एप्लीकेशन फॉर्म अप टू लास्ट डेट क्लोजिंग डेट इन केस ऑफ एप्लीकेंट डू नॉट एडिट या अमेंडेड हिज हर रजिस्ट्रेशन फॉर्म देन हिज हर ऑलरेडी सबमिटेड फॉर्म will not be deemed except for CET Group D। After closing date, no further chance for registration, updation, upload will be given. Eligibility of the candidate shall be considered in closing date of his advertisement as regard in his or category. तो ये कैटेगरी है CSP, WSBCA, B, ESM, etc. A candidate who have already applied but has no become average shall be considered eligible। कि एक कैंडिडेट who has already applied, जिसने पहले ही अप्लाई कर दिया है, but has now become average, लेकिन अब वो average हो गया है, तो वो भी जो है यहाँ पर इसमें जो है इसके लिए eligible माना जाएगा, क्योंकि पहले ही जो है अप्लाई किया हुआ था, न कि अब हो रहा है, तो वो भी जो है यहाँ पर इसके लिए योग्य माना जाएगा। तो यहाँ पर जो इसमें यही कहा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट जिसने पहले फॉर्म इसके लिए फिल कर रखा है, तो अगर वो इसके लिए कोई अपडेट एडिट नहीं करता है, तो पहले जो फॉर्म फिल किया गया था ग्रुप डी के अगले ग्रुप डी के लिए अगर किसी ने पहले ही जो फिल किया हुआ है, तो उसका पहले वाला ही फॉर्म माना जाएगा। अगर कोई इसमें एडिट वगैरह करना चाहता है तो वो कर सकता है, नहीं तो फिर पहले वाला जो फॉर्म है वही यहाँ पर इसके लिए मान्य होगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं लास्ट डेट क्लोजिंग डेट रजिस्ट्रेशन फॉर सीट ग्रुप डी 26/6/23 और एंड फीस 30/6। आफ्टर क्लोजिंग डेट नो फादर चांस टू रजिस्ट्रेशन अपडेशन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी गिवन, तो इस डेट के बाद तो कोई मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन वगैरह वो देख सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट भी आप देख सकते हैं, 13,536 पोस्ट है यहाँ पर ग्रुप डी में, वरिष्ठ डिपार्टमेंट कमीशन बोर्ड कॉरपोरेशन अथॉरिटी वगैरह एजेंसी कॉरपोरेशन सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। और ये तो पोस्ट है यहाँ पर जैसे कि शुरू में भी दी गई थी ग्रुप डी की है, स्वीपर की है चौकीदार और स्वीपर कम चौकीदार की, तो ये यहाँ पर इनके लिए क्वालिफिकेशन। और एज भी देख सकते हैं यहाँ पर, एज जो है इसमें 18 से 42 दी गई है, और पे स्केल है 16,900 से लेकर 53,500 तक। उसके बाद जो यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस वाले जो उनके लिए है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू फॉर जॉब
इन सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एक्सपेंसिव इन इनकम मेंशन इन सर्टिफिकेट। तो ये जो ईडब्ल्यूएस वाले जो है हरियाणा वाले ही जो इसके लिए अपना सर्टिफिकेट बनाए, क्योंकि जो सेंट्रल वाला जो वो यहाँ पर नहीं चलेगा। और जो भी कुछ यहाँ पर डिटेल है वो आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद आ जाता है यहाँ पर रिलैक्सेशन ऑफ एज, और किस कैटेगरी को कितनी यहाँ पर एज में छूट है वो भी आप देख सकते हैं। और ये जो यहाँ पर जो स्क्राइब वाले हैं उनके लिए दिया गया है 20 मिनट, इनको एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फीस। तो यहाँ पर फीस फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर सीटी ग्रुप डी ओनली फ्रेश कैंडिडेट हैव टू पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस एज अंडर। तो वन टाइम फीस यहाँ पर देनी होगी अगर कोई नया कैंडिडेट यहाँ पर ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहा है। तो फीस आप देख सकते हैं किस में कितनी है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन आप इसमें देख सकते हैं 95% यहाँ पर आपका एग्जाम है, और साइको इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया वाले यहाँ पर 5 नंबर हैं। तो एक्सपीरियंस देख सकते हैं यहाँ पर सीटी मार्क्स मीन मार्क्स ऑब्टेन इन एप्लीकेंट इन सीटी, और सीटी स्कोर मीन सीटी मार्क्स प्लस जिसमें साइको वाले जो 5 नंबर हैं उन्हें जोड़कर। टोटल सीटी मार्क्स मीन टोटल मैक्सिमम मार्क्स ऑफ सीटी एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑफ साइको इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया वेटेज। और ये सिलेबस है यहाँ पर 75% में क्या आएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी और रिलेवेंट कंसर्न सब्जेक्ट, और 25% मार्क ऑफ हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, कल्चर और ये हरियाणा। तो ये आएगा इसमें। तो 25 क्वेश्चन यहाँ पर हरियाणा जी के और 75% अन्य में आएंगे। उसके बाद ये सिलेबस भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिलेबस दे दिया गया है। जनरल अवेयरनेस में देख सकते हैं आप, टेस्ट विल बी इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, एक्सेप्टली प्रेटिंग हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकली वगैरह जो है इनके आएंगे 15 क्वेश्चन। उसके बाद जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह इनके आएंगे 15 क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है जो रीजनिंग है, रीजनिंग के आएंगे यहाँ पर 10 क्वेश्चन, और क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो है इसके आएंगे यहाँ पर 15 क्वेश्चन। उसके बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसके 10 क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद आ जाता है जो हिंदी ग्रामर है, हिंदी लैंग्वेज, इसके आएंगे 10 क्वेश्चन, और उसके बाद है जो हरियाणा जीके है इसके आएंगे 25 क्वेश्चन। इस प्रकार से जो है ये यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है ये लिया जाएगा। स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। उसके बाद केस फॉर फाइनल रिजल्ट, डिक्लेरेशन मार्क रिजल्ट, कैसे इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो एक लिंक ये वाला यहाँ पर दिया गया है, या वन टाइम रजिस्ट्रेशन नाम से आप सर्च करके भी हरियाणा वाले की जो वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हैं। उसके बाद कुछ यहाँ पर नक्शे वगैरह हैं जो आपको इनके अंत में मिलेंगे, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ये है नेक्स्ट है, यहाँ पर लैपटॉप फंडर टेकिंग यूजी ऑन स्क्राइब, अगर किसी को चाहिए तो वो यहाँ से इसे डाउनलोड करके फिल कर सकता है। और ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर है। उसके बाद नो जॉब सर्टिफिकेट टू बी वेरीफाई बाय तहसीलदार। इनकम एसेस सर्टिफिकेट वैलिड फॉर ईयर 2022-23। ये है यहाँ पर स्पोर्ट वालों के लिए, और उसके बाद है विडो सर्टिफिकेट, ये भी वही है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। और उसके बाद आ जाता है एप्लीकेंट हुज फादर हैज़ डाइड, ये भी वही है। तो ये वैकेंसी डिटेल थी और यही महत्वपूर्ण अपडेट थी, और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद।